सो हेलो गाइस, वेलकम टू थिंग्स हुआ। बैंक ऑफ बड़ौदा में ऑनलाइन कंप्लेन कैसे करते हैं इसके बारे में इस वीडियो में पूरी इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं। दोस्तों, आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो गया, चाहे बैंक ऑफ बड़ौदा की कोई भी सर्विस हो, ब्रांच मैनेजर आपके साथ ठीक से बात नहीं कर रहा, या फिर ब्रांच के कुछ एम्प्लॉयज़ है वो आपके मदद नहीं कर रहे, आपकी कोई मदद नहीं हो रही, आप परेशान हो गए, बिल्कुल दोस्तों यहाँ से आप कंप्लेंट करना सीख जाइए। ब्रांच मैनेजर सामने से आपको कॉल करेगा, ब्रांच में बुलाएगा और आपकी दोस्तों अच्छे से मदद कर देगा, अगर दोस्तों आप कंप्लेंट कर दोगे। जब भी मदद नहीं हो रही है आपको बिल्कुल दोस्तों कंप्लेंट करना चाहिए। यहाँ पे चले सिखा देता हूँ। सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र में चले जाते हैं। यहाँ पे जाने के बाद आपको दोस्तों सर्च करना है BOB कंप्लेंट, BOB ऑनलाइन कंप्लेन ऐसा लिख देंगे हम, और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम सर्च कर लेंगे। सबसे ऊपर एक पेज आ रहा है, इस पर हमको क्लिक करना है। डायरेक्ट दोस्तों जो बैंक ऑफ बड़ौदा की शिकायत वाला जो पेज है वहाँ पर हम चले जाएंगे। शिकायत करें, सबमिट कंप्लेन, इस पर हमको दोस्तों क्लिक करना है। तो चले दोस्तों यहाँ पर मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही दोस्तों मैंने क्लिक कर दिया, यहाँ पर देखिए डोमेस्टिक कस्टमर पहले से सिलेक्टेड है, नो और डोमेस्टिक कस्टमर इसको सिलेक्टेड रहने देना है। यहाँ पर दोस्तों आपको अपना अकाउंट नंबर डाल देना है, मैंने यहाँ पे अकाउंट नंबर डाल दिया। बिजनेस वाले ऑप्शन में आपको जो भी प्रॉब्लम है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिलहाल दोस्तों मुझे ATM के रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे दोस्तों मैं ATM दोस्तों यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, डेबिट कार्ड सिलेक्ट कर लेता हूँ। ATM मतलब दोस्तों डेबिट कार्ड। यहाँ पे सबसे नीचे और एक चीज़ है, शिकायत से संबंधित, मतलब कंप्लेंट रिलेटेड, किसके रिलेटेड कंप्लेंट है। तो आपको दोस्तों यहाँ पर देखिए डेबिट कार्ड इश्यू, री इश्यू, तो इश्यू के रिलेटेड मुझे प्रॉब्लम है, मेरा ATM एक्सपायर हो गया था लेकिन नया ATM निकला है आज दोस्तों, 2 महीने होने को आए हैं लेकिन वो ATM मुझे दोस्तों अभी तक नहीं मिला है। ये सच में दोस्तों मैं कंप्लेन कर रहा हूँ, मैं सच में कंप्लेन करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि मुझे दिक्कत है दोस्तों, उसी की मैं कंप्लेन कर रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर जाएंगे तो अभी क्या प्रॉब्लम है ATM के साथ, तो देखिए ATM कार्ड पिन नॉट वर्किंग, ATM पिन नॉट रिसीव, कार्ड इज़ ब्लॉक, डेबिट कार्ड नॉट रिसीव। तो डेबिट कार्ड दोस्तों मुझे मिला नहीं है, 2 महीने के ऊपर हो गया, इसलिए ये वाला चीज़ मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। आपको दोस्तों जो भी प्रॉब्लम है वो बिजनेस वाले ऑप्शन में आप सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन है, लोन के रिलेटेड, फाइनेंशियल इंक्लूजन, BOB वर्ड, भीम बड़ौदा पे, क्रेडिट कार्ड के रिलेटेड, यहाँ पे दोस्तों डिपॉजिट का, SD डिजिटल लोन, बहुत सारे भाई, इंश्योरेंस से लेकर म्यूचुअल फंड्स, NRI सर्विस, यहाँ पे भाई क्या क्या है, पेंशन भी है, सब कुछ है भाई, कोई चीज़ यहाँ पे बाकी नहीं है। किसी भी चीज़ के रिलेटेड यहाँ पे दोस्तों कंप्लेन कर पाओगे। अरे भाई यहाँ पे मैंने गलती से सिलेक्ट हो गया मोबाइल बैंकिंग, वापस भाई मैं यहाँ पे ATM सिलेक्ट करूँगा, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, वापस मैं जल्दी जल्दी दोस्तों उधर चला जाता हूँ। मैंने क्या सिलेक्ट किया था, ATM, ATM के बाद दोस्तों यहाँ पे रीइश्यू पे मैंने क्लिक किया था। ओके, थोड़ा लोडिंग हो रहा है। इसके बाद डिस्क्रिप्शन वाले चीज़ में डेबिट कार्ड नॉट रिसीव पे मैंने क्लिक किया था। इसके बाद 1000 कैरेक्टर के अंदर आपको यहाँ पे कुछ लिखना रहेगा, देखिए। तो पहले से मैंने एक चीज़ कॉपी करके रखा है, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। ये जो मेरा प्रॉब्लम है दोस्तों पेस्ट हो गया, इंग्लिश के अंदर या फिर हिंदी के अंदर दोस्तों आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है आपका जो भी दोस्तों प्रॉब्लम है। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, अपना नाम यहाँ पे लिख देना है। तो आपका नाम, मैं मेरा नाम यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, पहले से करके रखा हूँ। और आपको दोस्तों जिस भी नंबर पर कॉल चाहिए वो नंबर आपको यहाँ पे लिख देना है। आपके खाते के साथ जो नंबर लिंक है वो नंबर नहीं डालोगे फिर भी चलेगा, कोई और नंबर भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। जो नंबर आप डालोगे यहाँ पे, जो नंबर डालोगे उस पर ब्रांच मैनेजर कॉल करके आपको पूछ सकता है, भाई आपको क्या प्रॉब्लम है आप बताइए, हम आपकी मदद करने के लिए यहाँ पे बैठे हैं। क्यों मदद करने के लिए बैठे हैं, क्योंकि जब आप कंप्लेंट करोगे ऊपर से इंक्वायरी होगी तो ब्रांच मैनेजर पे प्रेशर आएगा, उसके एम्प्लॉयज़ पर भी प्रेशर आएगा, थोड़ा टेंशन में आ जाएंगे वो लोग, उनको आपका मदद करना ही पड़ेगा, मदद किए बिना नहीं चलेगा दोस्तों। यहाँ पर ईमेल ID डाल देना है, ईमेल ID डाल दिया। इसके बाद देखिए कैप्चा यहाँ पे आपको फिल कर देना है, जो भी कैप्चा है 8D 6 और G दोस्तों, यहाँ पे कैप्चा मैंने फिल कर दिया। अभी देखिए प्रस्तुत करें, सबमिट वाले बटन में दोस्तों आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों सबमिट वाले बटन में क्लिक किया, यहाँ पे थोड़ा सा वेट करने के लिए बोल रहा है, चलिए भाई थोड़ा सा यहाँ पे हम वेट कर लेंगे, क्या दिखाई देता है हमको ये हम जान लेते हैं। यहाँ पे वेट करिए भाई, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेता है, थोड़ा सा टाइम इसको लेने दीजिए, आपका कंप्लेन यहाँ पर रजिस्टर हो रहा है, अपलोड हो रहा है।
देखिए यहाँ पर एक चीज़ क्या आ रहा है, अभी क्यों ये चीज़ आ रहा है मैं आपको बता देता हूँ। आप जब करेंगे आपका कंप्लेन हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी दोस्तों ये वीडियो बनाने से पहले एक कंप्लेन किया था चेक करने के लिए कि किस तरह से अच्छे से दोस्तों कंप्लेन हो जाता है। अगर आपने एक बार कंप्लेन कर दिया दोबारा कंप्लेन करोगे तो इस तरह का एरर आ जाएगा, डियर कस्टमर एज पर आवर रिकॉर्ड यू हैव ऑलरेडी लोग मतलब आपने कंप्लेन कर दिया है, ऐसा यहाँ पे मुझे चीज़ हो रहा है। बिल्कुल यहाँ पे आप स्क्रीन पर दोस्तों वीडियो देख सकते हैं, इसमें दोस्तों आपको दिख जाएगा, ठीक है। और जब भी दोस्तों आपको अपना कंप्लेन आपको ट्रैक करना हो उसका क्या जवाब आया है, तो वापस दोस्तों आपको BOB कंप्लेन में चले जाना है, सर्च कर लेना है और वापस दोस्तों आपको उसी पेज पर चले जाना है। जैसे उसी पेज पर जाओगे यहाँ पर देखिए सबसे नीचे है शिकायत ट्रैक करें ट्रैक कंप्लेन, तो ट्रैक कंप्लेन में जाना है। और जब भी दोस्तों आप कंप्लेन करोगे, अभी स्क्रीन पर दिखा दूंगा मैं, तो आपको दोस्तों एक रेफरेंस नंबर मिलता है, उसको आपको कॉपी कर लेना है, कॉपी करके आपको संभाल के रखना है। और किस तारीख से पहले आपके कंप्लेन को सोल्व किया जाएगा वो तारीख भी वहाँ पे दिख जाएगी जब दोस्तों कंप्लेन हो जाएगा वो। तो रेफरेंस नंबर डाल दीजिए, अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए, ईमेल आईडी डाल दीजिए, उसके बाद कैप्चा फिल कर दीजिए, उसके बाद दोस्तों सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद आपको दिखाई देगा आपकी कंप्लेन का क्या स्टेटस है, आपका जो शिकायत हुआ था उसका कितना इंक्वायरी हुआ है, क्या चल रहा है, सब कुछ आपको यहाँ से दोस्तों दिख जाएगा। वीडियो दोस्तों ज़्यादा ही लंबा बनता जा रहा है, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया, लाइक कर दीजिए, कॉमेंट कर दीजिए, और कोई आपका सवाल है फिर भी आप कॉमेंट कर दीजिए, मैं बिल्कुल जवाब दूंगा। आपको क्या प्रॉब्लम है वो बताइए, और किस रिलेटेड वीडियो आपको चाहिए वो भी बता दीजिए, अगर बनाने का मैं बिल्कुल ट्राई करूँगा। दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा ही अच्छा लगा वीडियो आपको तो सब्सक्राइब करिए, बाजू में बेल आइकन दिख रहा है उसको भी दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले दोस्तों मिल जाए। चलिए गाइस मिलेंगे आने वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना।